फ्रॉम टुडे आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 उसका सॉल्यूशन करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया था, एग्जांपल्स कर लिए थे एक्सरसाइज 1.4 के। आज हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनियन। आपको यूनियन फाइंड करने हैं। यूनियन क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट होंगे एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, एक बार लिखे जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई तो वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा। अब थ्री कॉमन है इसमें तो थ्री एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। फाइव आएगा तो एक्स यूनियन वाई क्या हो गया, वन टू थ्री फाइव हो गया। अब ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा, ठीक है। अब देखो ए कॉमन है लेकिन ये क्या आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। अब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे है, पहले आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ए इज इक्वल टू एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल तो थ्री टेबल लिख दो, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड सो ऑन, ठीक है। एंड बी नेचुरल नंबर होंगे लेस देन सिक्स, लेस देन सिक्स होना चाहिए तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, देखो वन टू फाइव तो आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स आएगा, फिर नाइन आ जाएगा, फिर ट्वेल्व आ जाएगा एंड सो ऑन। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या होगा वन ग्रेटर देन और इक्वल वन एंड लेस देन और इक्वल सिक्स अलोंग विथ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या होगा ग्रेटर देन वन और लेस देन और इक्वल सिक्स होगा, तो टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा और सिक्स होगा, ठीक है। और बी में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, बी में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, सेवन एट नाइन आएंगे, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, सेवन होगा, एट होगा और नाइन होगा। ए इन यूनियन बी कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, सिंस वी नो दैट ए यूनियन फाइव क्या होता है, एट होता है, क्योंकि ए यूनियन फाइव क्या होगा, ए हो जाएगा। तो कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी वन टू थ्री, क्योंकि हमें बताया कि ए यूनियन फाइव क्या होता है, ए ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर वन था, आप इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फाइव में है ना जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक जैसे हैं। बस क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछ रखा है, यूनियन, और क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या पूछ रखा है आपको, इंटरसेक्शन। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, एक्स और वाई में जो भी कॉमन एलिमेंट है ना वो आएंगे। एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, वन कॉमन एलिमेंट है, थ्री है गया तो थ्री भी कॉमन एलिमेंट है, फाइव और टू नहीं है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा, वन कॉमा थ्री। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, हमें पता है कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, इसमें थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व है, थ्री का मल्टीपल और ये वन टू फाइव है। अब कॉमन क्या रहा है सिर्फ इन दोनों में, कॉमन क्या है थ्री। ए इंटरसेक्शन बी फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, देखो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाइव, सिंस ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए यून ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव होगा, क्योंकि ए में और बी में
कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये आपको पूछा है, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, क्या ए सबसेट है क्या बी का। देखो ए के एलिमेंट सारे बी में है, तो यस ए इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, अब आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी कितना जाएगा, ए आएगा बी आएगा और सी आएगा, तो क्या देख रहे हो ए बी सी बी बन रहा। ठीक है, तो अगर ए सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, तो अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करोगे तो क्या आएगा, सेट बी आएगा, मुझे ध्यान रखना। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रखा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दो सेट है और ए सबसेट किसका बी का, तो देन व्हाट इज द ए यूनियन बी, तो ऊपर वाला क्वेश्चन ये तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल से देखना है, तो एग्जांपल ऊपर वाले ले लेंगे, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ए सबसेट क्या है बी का, ना ए यूनियन बी, ए बी आएगा और सी आएगा, अब ए यूनियन बी कह रहा है बी आएगा। ठीक है, ये चीज पूछी थी आपको। क्वेश्चन नंबर फोर का देखो, आपको सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है, अब आपको ये फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाला आप खुद करोगे ए यूनियन बी, सेकंड वाला आप खुद करोगे ए यूनियन सी, थर्ड वाला आप खुद करोगे ए बी यूनियन सी, फोर्थ वाला आप खुद करोगे बी यूनियन बी, फाइव वाला देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, किससे लिखा हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, वो मैंने आपको बताई थी। तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, ए और बी, ए यूनियन बी कितना आएगा बताओ, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा और सिक्स आएगा, इंटरसेक्शन सी, सी के एलिमेंट क्या क्या है, फाइव सिक्स सेवन एट। देखो पहले वाला तो गया ना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना आएगा, वन टू सिक्स आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, वन टू सिक्स तो आएगा ही, सेवन एट बीस सात आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये भी सेम होगा, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड कर लो, फिर यूनियन का किससे करवा दो, आप सी से, ए यूनियन बी जो भी है, ए यूनियन बी वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, फिर यूनियन डी, डी कितना है, सेवन एट नाइन टेन, सेवन एट नाइन टेन। तो ए यूनियन बी यूनियन डी कितना आ जाएगा, वन टू सिक्स आएगा, फिर सेवन एट नाइन टेन आ जाएगा, तो वन टू टेन आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, अब इसमें एक और बचा हुआ है, वो और करते हैं, तो देखो वो यहाँ पे कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी सेवन वन, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले बी यूनियन सी होगा, फिर यूनियन क्या होगा, डी होगा,
बी यूनियन सी, देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बी यूनियन सी, बी और सी को मिला दो, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आ जाएगा, एट आ जाएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा, यूनियन डी, डी कितना है, सेवन एट नाइन टेन, तो बी यूनियन सी यूनियन डी कितना गया, थ्री आ गया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और वन ऑफ फाइव हो गया। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इज इक्वल टू 7 9 11 13, सी इज इक्वल टू 11 13 15 एंड डी इज इक्वल टू 15 17, देन फाइंड। फर्स्ट वाला आप करोगे इंटरसेक्शन बी, सेकंड वाला आप करोगे बी इंटरसेक्शन सी, फोर्थ वाला आपको खुद को करना है ए इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है इसमें क्विक पार्ट है, वो आप करोगे बी इंटरसेक्शन डी, सेवंथ वाला वो आप खुद करोगे ए इंटरसेक्शन डी, और ये पांच पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो पहले हमने ए को छोड़ दिया है इंटरसेक्शन, पहले सी इंटरसेक्शन डी कर रहे हैं, इससे क्या हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन इंटरसेक्शन सी ओ डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी ओ डी में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इलेवन कॉमन नहीं है, थर्टीन भी कॉमन नहीं है, फिफ्टीन कॉमन, तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या गया, फिफ्टीन आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अब थ्री भी कॉमन नहीं है, फाइव भी कॉमन नहीं है, सेवन भी कॉमन नहीं है, नाइन भी कॉमन नहीं है, इलेवन भी कॉमन नहीं है और फिफ्टीन भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा रिजल्ट, फाइव, ठीक है। थर्ड वाला हो गया, सिक्स वाला देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी करना पड़ेगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए लिख दो आप, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी में बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सेवन आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, इलेवन आ जाएगा, थर्टीन आ जाएगा और फिफ्टीन आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब इस दोनों में कॉमन क्या है, एक सेवन कॉमन है, नाइन कॉमन है, इलेवन कॉमन है, तो सेवन आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, इलेवन आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर एट है देखो वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए के एलिमेंट कौन कौन से, थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है और इलेवन है, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी के सारे एलिमेंट हमें चाहिए, सेवन आएगा, नाइन आएगा, इलेवन आएगा, थर्टीन आएगा, फिफ्टीन आएगा और सेवनटीन आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या जाएगा, देखो सेवन कॉमन है, नाइन कॉमन है, इलेवन कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आएगा सेवन नाइन इलेवन आएगा, नाइन का देखो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, देखो पहला वाला कर रहे हैं, ए और बी में कॉमन क्या क्या, देखो थ्री कॉमन नहीं है, फाइव कॉमन नहीं है, सेवन नाइन इलेवन कॉमन है, तो सेवन नाइन इलेवन आएगा, इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, सेवन आएगा, नाइन आएगा, इलेवन आएगा, थर्टीन आएगा और फिफ्टीन आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो कॉमन क्या क्या है, एक तो सेवन है, एक नाइन है और एक इलेवन है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं, ए इंटरसेक्शन डी, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी होगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी, ए और डी में जो भी एलिमेंट है वो लिख दो आप, ए के कौन कौन से एलिमेंट है, थ्री कॉमा फाइव कॉमा सेवन कॉमा नाइन कॉमा इलेवन, इंटरसेक्शन
डी वाले के साथ लिख लेना है, 11 के बाद में आएगा 15 और फिर आएगा 17, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने अभी निकाला था, 7 9 11 13 15, तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना जाएगा। देखो कॉमन कहते हैं, एक तो 7 कॉमन है, एक 11 कॉमन, 9 कॉमन है और एक 11 कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 9 11 देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, 7 9 11 है, 6 का क्या है, 7 9 11 है, 9 का क्या है, 7 9 11 है, और 10 का क्या है, 7 9 11 है, ठीक है। और इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, तो नोट कीजिए उसको। बाई मिस्टेक देखो इसमें 15 भी तो कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, इसमें 15 भी कॉमन आ गया, तो 15 भी क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है, सेट ए वो नेचुरल नंबर का सेट है, बी सेट है जो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, सी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, और डी क्या है, वो प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए तो नेचुरल नंबर है और बी है इवन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 टू इनफिनिट होंगे और इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, तो आप अगर इनका इंटरसेक्शन करोगे, आप इंटरसेक्शन करोगे ना तो क्या आएगा, सेट बी तो आएगा ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आ जाएगा, तो बी लिख दो आप, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन बी सी कितना देगा, ए होता है नेचुरल नंबर और सी होता है ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, सी वाले तो एलिमेंट आएंगे ना, सी वाले एलिमेंट कौन से है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या जाएगा, सी आ जाएगा, तो एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए नेचुरल नंबर डी प्राइम नंबर, तो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर का आप इंटरसेक्शन करोगे, आप इंटरसेक्शन करोगे ना तो क्या आएगा, प्राइम नंबर के तो सेट आएंगे, प्राइम नंबर के तो एलिमेंट आएंगे सारे, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, बी इंटरसेक्शन सी, अब देखो बी तो इवन नेचुरल नंबर का सेट है 2 4 6 8, और सी क्या है, ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 7, तो 2 4 6 8 1 3 5 7 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इवन नंबर और नेचुरल नंबर डिफरेंट होते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 5 होगा, बी इंटरसेक्शन डी, देखो बी तो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और डी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 तो कॉमन आ रहा है, सिंस 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप रीजन लिख सकते हो, सिंस 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number. C intersection D. C में क्या है, देखो odd natural number है और D में क्या है, prime number है. Odd natural number 1, 3, 5, 7, 9 and so on. ये 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, अब देखो 9 के बाद 11 भी आएगा, तो अगर इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन करोगे इन दोनों का, तो क्या आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 3 5 7 9 11 3 5 7 9, ठीक है, और 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 इसमें नहीं है, 11 आ जाएगा, ठीक है, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17 आएगा, ऐसे क्या रहे, देखो ओड नंबर भी आना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो ना, ओड प्राइम नंबर है, ठीक है,
such that x is a or prime number. इसका सेट होगा और प्राइम नंबर का, क्योंकि इसमें और नंबर भी होंगे और प्राइम नंबर भी होंगे, दोनों का मिक्सचर होगा. देखो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि 9 और नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो 11 आएगा. 11 और नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है. 13 आ जाएगा, 13 और नंबर भी है और 13 क्या है, प्राइम नंबर भी है. 15 नहीं आएगा, 15 और नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है. 17 आ जाएगा, 17 और नंबर है और प्राइम नंबर भी है. देखो कौन सा सेट बन रहा है, x इज ए और प्राइम नंबर का सेट बन रहा है. तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इक्वेशन नंबर 8 का क्या पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट सेट्स. अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था डिसजॉइंट सेट्स हम किसको बोलेंगे, हम अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाता है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं, ये तो 2 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो 4 आएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा. तो इन दोनों में इंटरसेक्शन करो आप क्या आएगा, 4 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 5. हेंस गिवन pair of sets is not disjoint. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं a e i o u, इंटरसेक्शन c d e f. तो देखो e कॉमन है तो क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, which is not equal to 5. Hence, given pair of sets is not disjoint. ठीक है, अब even number और odd number इनमें कोई भी common नहीं आता है. ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 होगा. Hence given pair of sets is disjoint. ये दोनों सेट कैसे है disjoint, क्योंकि इसमें एक भी जो एलिमेंट है कॉमन नहीं, इसमें इवन नंबर है इसमें ओड नंबर है, तो एक भी एलिमेंट क्या है कॉमन नहीं है. तो आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, ए सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है. आपको ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस सी. ए माइनस बी मैंने आपको बताया था सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी होगा. ठीक है, ए माइनस बी क्या क्या होगा, तो जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो बस, आप ए और बी में से ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, देखो 3 ए में है बी में नहीं है, 3 आ जाएगा. 6 ए में है बी में नहीं है, तो 6 भी आ जाएगा. 9 भी आ जाएगा. ठीक है, 12 है कॉमन आया तो 12 नहीं आएगा. 15 कॉमन नहीं आया तो 15 भी आ जाएगा. 18 कॉमन नहीं आया तो 18 भी आ जाएगा. ठीक है, 21 भी कॉमन नहीं है तो 21 भी आ जाएगा. अब देखो ए माइनस बी में ए के सारे एलिमेंट है इसमें, लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में है. 3, 6, 9, 15, 18, 21. ठीक है, अब ए माइनस सी क्या होगा, ए में से आपको माइनस करना है क्या, जो भी ए इंटरसेक्शन सी होगा, जो भी ए और सी में कॉमन होगा वो नहीं आएगा. तो ए माइनस सी देखो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 कॉमन नहीं है. 6 कॉमन तो 6 नहीं आएगा. 9 आ जाएगा, 9 कॉमन नहीं है. 12 कॉमन 12 नहीं आएगा. 15 आ जाएगा. 18 कॉमन नहीं है और 21 भी कॉमन नहीं है. ए माइनस डी क्या होगा, ए में से माइनस कर दो आप क्या, ए इंटरसेक्शन डी. ए माइनस डी क्या हो जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा क्योंकि 3 कॉमन नहीं है. 3 आएगा
सिक्स आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, फिफ्टीन नहीं आएगा, फिफ्टीन कॉमन है, एटीन आ जाएगा और ट्वेंटी वन आ जाएगा। फोर्थ वन है बी माइनस ए, तो बी में से आपको क्या माइनस करना है, बी इंटू सेक्शन ए, बी माइनस ए। देखो फोर आ जाएगा, फोर कॉमन नहीं है तो फोर आ जाएगा, एट कॉमन नहीं है तो एट भी आ जाएगा, ट्वेल्व कॉमन ट्वेल्व भी नहीं आएगा, सिक्सटीन कॉमन है क्या, सिक्सटीन कॉमन नहीं है तो सिक्सटीन आ जाएगा और फिर ट्वेंटी आ जाएगा, क्योंकि ट्वेंटी है ना वो सेट ए में नहीं है। तो देखो बी माइनस ए, इसमें बी के वो सारे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ठीक है, फोर फोर एट सिक्सटीन ट्वेंटी बी में है लेकिन ए में नहीं है। सी माइनस ए क्या होगा, सी में से आपको माइनस करना क्या, सी इंटू सेक्शन ए, तो सी माइनस ए क्या हो जाएगा, देखो टू कॉमन नहीं है तो टू आ जाएगा, फोर भी कॉमन नहीं है तो फोर आ जाएगा, सिक्स कॉमन सिक्स नहीं आएगा, एट आ जाएगा, टेन कॉमन नहीं है तो टेन आ जाएगा, ट्वेल्व कॉमन ट्वेल्व नहीं आएगा, फोर्टीन आ जाएगा और सिक्सटीन आ जाएगा, क्योंकि फोर्टीन और सिक्सटीन क्या कॉमन नहीं है, तो फोर्टीन और सिक्सटीन। सेवन देखो डी माइनस ए, तो डी में से आपको माइनस करना है क्या, डी इंटरसेक्शन ए, तो डी माइनस ए, डी के सारे एलिमेंट अजन चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए वो। तो देखो फाइव नहीं है, टेन नहीं है, फिफ्टीन है और ट्वेंटी भी नहीं है, तो फाइव आ जाएगा, टेन आ जाएगा और ट्वेंटी आ जाएगा। बी माइनस सी क्या होगा, बी में से माइनस कर दो क्या, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, देखो बी के एलिमेंट कितने हैं जो सी में नहीं हो, तो फोर आ गया, फोर है, एट आ गया, एट भी है, ट्वेल्व आ गया, ट्वेल्व भी है, सिक्सटीन आ गया, सिक्सटीन भी है, तो फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन नहीं आएगा, ट्वेंटी आ गया इसमें, इसमें नहीं है तो ट्वेंटी आ जाएगा। बी माइनस डी क्या होगा, बी में से आपको माइनस करना क्या, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी माइनस डी क्या हो जाएगा, देखो बी के सारे एलिमेंट रहने चाहिए जो डी में नहीं हो, तो फोर आ जाएगा, एट आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा, ट्वेंटी नहीं आएगा क्योंकि ट्वेंटी कॉमन आ रहा है, तो फोर आएगा, एट आएगा, ट्वेल्व आएगा और सिक्सटीन आएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या होगा, सी में से आपको माइनस करना कि सी इंटरसेक्शन बी, तो सी माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो सी के सारे एलिमेंट आने चाहिए जो बी में नहीं हो, टू आ जाएगा, फोर नहीं आएगा, टू आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, एट भी नहीं आएगा, टेन आ जाएगा, ट्वेल्व नहीं आएगा, फोर्टीन आ जाएगा और ठीक है सिक्सटीन नहीं आएगा, सिक्सटीन भी कॉमन है तो ये आ जाएंगे। डी माइनस बी क्या होगा, डी में से आपको माइनस करना क्या, डी इंटरसेक्शन बी, तो डी माइनस बी क्या होगा, देखो डी के सारे एलिमेंट होने चाहिए जो बी में नहीं हो, तो फाइव आ जाएगा, टेन आ जाएगा और फिफ्टीन आ जाएगा, फाइव टेन और फिफ्टीन, ठीक है। सी माइनस डी, तो सी में से आपको माइनस करना क्या, सी इंटरसेक्शन डी, तो सी माइनस डी क्या हो जाएगा, देखो सी माइनस डी, तो टू आ जाएगा, फोर भी आ जाएगा, सिक्स भी आ जाएगा, एट भी आ जाएगा, टेन नहीं आएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, फोर्टीन आ जाएगा और सिक्सटीन आ जाएगा, ठीक है। अब डी माइनस सी क्या हो जाएगा, डी में से आपको माइनस करना क्या, डी इंटरसेक्शन सी, तो डी माइनस सी क्या हो जाएगा, देखो डी में से माइनस करो सी वाले एलिमेंट, तो फाइव आएगा, टेन नहीं आएगा, फिफ्टीन आ जाएगा, ट्वेंटी आ जाएगा, तो फाइव आएगा, फिफ्टीन आएगा और ट्वेंटी आ जाएगा। अब टेन का भी एज इट इज है, एक्स माइनस वाई, एक्स के सारे एलिमेंट आने चाहिए जो वाई में नहीं हो, तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो देखो ए आएगा क्या, ए आ जाएगा क्योंकि ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है बी नहीं आएगा, सी कॉमन नहीं है सी आ जाएगा, डी कॉमन है तो डी नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाई में सी माइनस कर दूंगा एक्स इंटरसेक्शन या वाई इंटरसेक्शन एक्स बोल दो उसको, एक ही बात है, तो वाई माइनस एक्स, तो वाई के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए जो एक्स में नहीं हो, तो एफ आ जाएगा और जी आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहे। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन आ रहा है और डी कॉमन आ रहा है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर
दो क्वेश्चन और बचे वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है देखो, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। पहले तो हमें ये पता है कि जो रियल नंबर का सेट है ना, रियल नंबर, वो रियल नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर किससे बना है, रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अगर हम इसमें रैशनल नंबर को हटा देंगे, हम इसको हटा दिया, हमने माइनस कर दिया, इसको हटा दिया मतलब, ठीक है, सबट्रैक्ट करना मतलब हटाना, तो सेट किसका बचा है, इरेशनल नंबर का बचा है, ठीक है। देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू क्या बचा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रियल नंबर में से हमने क्या हटा दिया है, इरेशनल नंबर हटा दिए, तो रियल नंबर से रेशनल नंबर हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इरेशनल नंबर बचेंगे। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, 2, 3, 4, 5 डिसजॉइंट है, तो वो ही काम करके देखेंगे हम, इसका इंटरसेक्शन है ना वो फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसका, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 आ गया, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या दोनों सेट डिसजॉइंट है क्या, नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए, 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11 और 15। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। Hence, दोनों सेट डिसजॉइंट है क्या, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 1.4 के। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 वो करेंगे, तो पहले हम उसको नोट कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए।